आप सभी को संजू वाडिवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे गोंडवाना शासन काल के महाराजा निजाम शाह की रानी कमलापति एवं उनके द्वारा बनवाया गया रानी कमलापति महल के बारे में रहस्यमयी जानकारी। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल का रानी कमलापति महल, जिसे दुश्मनों से बचने के लिए रानी ने डुबो दिया। रानी कमलापति महल, इस महल की 5 मंजिलें आज भी पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। महल का डूब जाना आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। भोपाल शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल झीलें दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये झीलें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही रहस्यमयी भी। इन रहस्यों का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस शहर की झील में एक महल समाया हुआ है। पुराने भोपाल में स्थित रानी कमलापति महल का अपना ही गौरवशाली इतिहास है। पहले कभी यहाँ एक खूबसूरत महल हुआ करता था। सुविधाओं से लैस उस महल में लोग रहा करते थे, फिर एक रोज़ वह महल डूब गया। रानी कमलापति महल का निर्माण लगभग 300 साल पहले किया गया था। कहा जाता है कि इस महल का निर्माण निजाम शाह की पत्नी रानी कमलापति द्वारा करवाया गया था, जिस कारण महल का नाम कमलापति महल पड़ गया। समय के साथ साथ महल के कई नाम भी बदले। इस महल को भोजपाल का महल और जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रात में इस महल का प्रतिबिंब किसी जहाज जैसा नज़र आता है। महल की बनावट, महल को लखोरी ईंटों और मिट्टी के मेल से बनवाया गया था। लखोरी ईंटें खास तौर पर लाहौर शहर से मंगाई गई थीं, जिससे इमारत को मजबूत बनाया जा सके, जो लंबे समय तक चले। महल के नीचे के हिस्सों को भारी पत्थरों के आधार पर बनाया गया था ताकि यह झील में कभी धंसे नहीं। महल को झील के किनारे बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था, जिसके दोनों तरफ से झीलों का खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता था। महल का शाही कमरा, बताया जाता है कि महल में कभी एक शाही कमरा हुआ करता था जो छोटी झील की तरफ स्थित था। यहाँ लगातार पानी की टंकी से पानी छोड़ा जाता था, जिससे गर्मी के मौसम में भी बारिश का सुहाना मौसम बना रहे। शाही कमरे के ऊपर रानी कमलापति का कमरा भी था, जहाँ रानी अपने परिवार के साथ रहा करती थी, पर वह कमरा भी पानी के भीतर समाया हुआ है। कहते हैं कि महल के सामने एक बाग भी हुआ करता था, जो पानी में डूबने के कारण अब झील में बदल गया है। राजा और रानी से जुड़ी कहानी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद गिन्नौर में गोंडवाना के राजा निजाम शाह का शासन हुआ करता था। उसकी 7 रानियों में कमलापति भी एक थीं। रानी खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। बताया जाता है कि निजाम शाह को उनके भतीजे चैन शाह ने जहर देकर मार डाला। तब रानी कमलापति को मजबूरन अपने बेटे के साथ भोपाल आना पड़ा। भोपाल आकर रानी ने राजा के मित्र मोहम्मद खान से मदद मांगी। कहा जाता है रानी ने राजा के कातिल को मारने की सुपारी दिलाई और कातिल की हत्या करवा दी। इसके बदले रानी ने मोहम्मद को जितना धन देने की बात कही थी, रानी वह देने में असफल रही, जिस कारण रानी को अपनी रियासत का कुछ हिस्सा भी मोहम्मद को देना पड़ा। इस कारण डूब गया महल। कहा जाता है कि मोहम्मद खान की बुरी नज़र रानी कमलापति पर थी। वह उसे पाना चाहता था, जिस कारण रानी के बेटे और मोहम्मद खान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में रानी के बेटे नवल शाह की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि यह युद्ध
भोपाल के पास जिस जगह पर हुआ वह खून से लाल हो गई, जिस कारण इस जगह का नाम लाल घाटी पड़ गया। युद्ध में बेटे की मौत का संदेश पाते ही रानी ने महल की तरफ बांध का सकरा रास्ता खुलवा दिया, जिससे तालाब का पानी महल में आने लगा। माना जाता है कि रानी ने ऐसा इसलिए किया ताकि दुश्मन उनके शरीर को छू भी ना सके। कुछ ही समय में पूरे महल में पानी भर गया, इमारतें डूबने लगीं। रानी ने अपनी सारी दौलत और कीमती सामान सहित पानी में ही समाधि ले ली। इस महल की बाकी दो मंजिलें अभी भी संरक्षित हैं, जहां सैलानी घूमने आते हैं। आप अगर भोपाल जाने का मन बना रहे हैं तो एक बार यह महल देखने जरूर जाएं। गोंड रानी कमलापति महल के सामने कमला पार्क के पास से रोड एक और पुराना भोपाल हमीदिया होते हुए लाल घाटी की तरफ जाता है, दूसरी ओर श्यामला हिल्स न्यू मार्केट की तरफ आता है। ठीक महल के सामने राजा भोज सेतु बनाया गया है, जिस ब्रिज या पुल से आप भोपाल का बड़ा झील या बड़ा तालाब के सौंदर्य को अच्छे से देख सकते हैं। वहीं अभी अभी रानी कमलापति महल के पीछे की तरफ भी एक ब्रिज बनाया गया है। उस ब्रिज या पुल से रानी कमलापति महल का डूबा हुआ हिस्सा एवं ऊपर का हिस्सा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। छोटा झील या छोटे तालाब पर बना रानी कमलापति ब्रिज के पास ही गोंड रानी कमलापति जी की प्रतिमा स्थापित है, जिसका मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसमें मैंने देखा रानी कमलापति जी की प्रतिमा पर जैसे ही चेहरे की तरफ कैमरा मोड़ा, हर बार चेहरा साफ नहीं आ पाया। कभी आप भी जाएं और आजमाएं और देखें, प्रतिमा के सामने से फोटो या वीडियो लेने की कोशिश करें। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या इसमें भी कोई रहस्य है या कैमरे के एंगल के कारण ऐसा हो रहा था? यदि आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो एक बार गोंड रानी कमलापति महल और रानी कमलापति ब्रिज को देखने के लिए भोपाल जरूर आएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।